हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एफसीआई के एग्जाम के लिए सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों। अभी मैं सिनोनिम्स दे रहा हूँ, आगे मैं एंटोनिम्स भी दे दूंगा। अगर जो आप एफसीआई का एग्जाम देने वाले हैं कहीं किसी भी स्टेट का, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसे ध्यान से देखिए और याद करिए, ठीक है। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, यहाँ पे मीनिंग लिख दिया है हिंदी सिनोनिम्स, आपके समझने के लिए मैंने हिंदी लिख दिया, ठीक है। तो पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन मैंने छोड़ना होता है, तो गिवअप, गिवअप माने भी सिनोनिम मतलब छोड़ना ही होता है। सिनोनिम वही होता है, उसी वर्ड का एक और मतलब उसी टाइप का वर्ड होता है, ठीक है। एबंडन मैंने छोड़ना, तो गिव अप मैंने भी छोड़ना। एक होता है एबडक्ट, एबडक्ट मैंने भगा ले जाना, तो भगा ले जाना का किडनैप भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर, ओवर मैंने घृणा करना, तो हेट और डिसलाइक मैंने भी घृणा करना होता है। तो एबिलिटी का योग्यता होता है, योग्यता और कैपेसिटी भी योग्यता होता है। एबोलिश समाप्त करना, तो एंड और कैंसिल भी समाप्त करना होता है। तो एब्सर्ड का मूर्खतापूर्ण, फनी रिडिकुलस, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एब्सेंट और रिसीव, एडमायर का प्रशंसा करना और प्रेज भी प्रशंसा करना, एडमिट माने स्वीकारना, एक्सेप्ट माने भी स्वीकारना, ठीक है। एडवाइज माने सलाह देना, सजेशन माने भी सलाह देना, एड माने मदद, हेल्प हो गया एड का, अलाउ माने आज्ञा देना, परमिट अलाउ का हो गया, एपोलॉजी क्षमा करना, तो परमिट पार्डन और रिग्रेट भी हो गया इसका, ठीक है। और एरोगेंस माने घमंड हो गया, तो प्राइड माने घमंड हो गया, ठीक है। बेन माने अभिशाप, कर्स और हार माने भी अभिशाप होता है। बिजी माने व्यस्त, तो इंगेज माने भी व्यस्त होता है, ठीक है। बैटल माने युद्ध, वार और फाइट का भी युद्ध होता है, ठीक है। बियर माने सहन करना, टोलरेट, ब्यूटीफुल माने सुंदर, चार्मिंग, लवली, बिलीव का विश्वास, इसका सिनोनिम फेथ एंड ट्रस्ट, बेनिफिट माने लाभ होता है, इसका प्रॉफिट हो गया, बोल्ड माने साहसी, इसका ब्रेव हो गया, कैंडिड माने निष्कपट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक हो गया, और कैप्चर माने गिरफ्तार करना, तो इसका अरेस्ट हो गया, क्लेवर माने समझदार, स्किलफुल हो गया, ठीक है। और कॉन्सियल माने छिपाना हो गया, इसका हाइड हो गया, कन्फर्म माने प्रदान करना, तो इसका गिव हो गया, ठीक है। करप्ट माने भ्रष्ट हो गया, तो इसका डिसहोनेस्ट हो गया, और कंट्रीब्यूट माने सहयोग करना, तो इसका हेल्प और असिस्ट हो गया, डेड माने मृत्यु, इसका लाइफलेस और डिसीज्ड, और डिसाइड माने निश्चय करना, तो इसका डिटरमाइन हो गया, और डिफीट माने पराजित करना, इसका कॉन्कर हो गया, ठीक है। डिफेंड माने रक्षा करना, इसका प्रोटेक्ट एंड सेव हो गया, डेनी माने मना करना, रिफ्यूज एंड रिजेक्ट, डल माने मूर्ख, स्टूपिड एंड ब्लंट, डिजायर माने इच्छा करना, विश नीड और रिक्वायरमेंट इसका हो गया, डिस्पाइज माने घृणा करना, डिसलाइक हो गया, हेट भी होता है, डेस्टिनेशन माने लक्ष्य हो गया, गोल और ऑब्जेक्टिव, डिस्कवर माने खोज करना, इसका इन्वेंट और फाइंड आउट हो गया, और डिस्प्ले माने दिखाना, इसका शो हो गया, एडुकेट माने शिक्षित करना, इसका टीच और ट्रेन हो गया, एफर्ट माने प्रयास, तो इसका हो गया अटेम्प्ट, अराइज। नेक्स्ट एनिमी माने शत्रु, इसका फो और ओपोनेंट हो गया, एक्सक्यूज माने क्षमा याचना, फॉरगिव और पार्डन हो गया, इवेंट माने घटना, इंसिडेंट, एरर माने मूल, मिस्टेक, फेल माने विफल होना, इसका हो जाएगा फ्रस्ट्रेट, और फेमस माने प्रसिद्ध होना, इसका पॉपुलर। दोस्तों ये था पार्ट 1 सिनोनिम्स का, अगला पार्ट मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा, इसे अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एफसीआई एग्जाम में कम से कम 5 नंबर या 3 नंबर सिनोनिम्स आने वाले हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।